राष्ट्रिय राजमार्गको वर्तमान अवस्थालाई लिएर कालेबुङ जिल्लापाल बालासुब्रमण्यम टी द्वारा जानकारी गराइएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर वारोबर, दि अल्टिमेट क्लोथिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चोक कालिम्पोङ, ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिङ 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन डिपिएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम, एडमिसन ओपन फर द सेसन 2024-25। टिस्टा नदीमा जलस्तर बढ्ने हुनाले पानीले भित्रसम्म माटो गहिर्याएको हुनाले फिलहालको निम्ति सानो वाहन र मिनी बस मात्र चलाचल हुने बताएका छन्। मालवाहक ट्रकहरू चलाचल गरे बाटो बिग्रन सक्ने आशंका भएकोले अहिले नै ट्रक चलाउन नसकिने बताएका छन्। अर्कोतिर रङ्पूदेखि मल्लीसम्मको मार्ग दुई दिनको निम्ति मर्मति गर्न पूर्ण रूपले बन्द राखिने बताएका छन्। त्यसपछि भने सबै वाहनहरूको निम्ति बाटो खोल्ने बताइएको छ। तक एक रास्ता में मेनली प्रॉब्लम है, अभी रास्ता से ऊपर से जो पत्थर गिर रहा था वो एक कम हो गया, बट टोटली तो नीचे जो बेस है एरोशन अभी भी कम नहीं हुआ, इसलिए इसी के कारण में हेवी व्हीकल छोड़ने में अभी भी दिक्कत हो रहा है। सो उसी स्ट्रेच अभी भी बहुत वल्नरेबल है, बट हम लोग और एक ऑप्शन में हम लोग जा रहे हैं अभी रांगपो से लेके मल्ली, बिकॉज मल्ली से सिक्किम का जो हेवी व्हीकल ट्रैफिक है अभी तो इंटरनल रास्ता में जाके उन लोग रेशी रोड जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का पूरा हेवी व्हीकल बंद है। सो इसी के कारण अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रांगपो से लेके मल्ली तक हम हेवी व्हीकल्स के लिए जगह खोलने के लिए, बिकॉज उसी स्ट्रेच थोड़ा सा स्टेबल है कंपेयर्ड टू लुकवीर टू सेतीजोरा। मल्ली टू जो है उसमें बीच में 7th and 8th mile थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग बंद करके रखा। अभी PWD का कुछ काम चल रहा है, उसी में इरकान भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, उसी के कारण से उधर थोड़ा जल्दी काम हो रहा है। उन लोगों का कुछ मग फेंकना बाकी सपोर्ट में भी उन लोग का, बिकॉज उन लोगों का ही टनल का भी काम चल रहा है, इसीलिए उसी के कारण वो एक दो दिन में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रिपेयर वर्क हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हेवी व्हीकल्स उसी स्ट्रेच में छोड़ सकते हैं, हम लोग मल्ली से लेके रांगपो, रांगपो से रेशी, वो नॉर्मल जो आगे ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन था उसी के कारण उसी के हिसाब से हो जाएगा। और टाउन के अंदर कोई हेवी व्हीकल अभी तक हम लोग नहीं छोड़ पाएंगे, बिकॉज टाउन के अंदर रास्ता बहुत खराब है पब्लिक सेफ्टी के कारण में। बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है बट हम लोग मना भी कर रहे हैं, सभी का जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। सो टाउन के अंदर हम लोग हेवी व्हीकल अभी नहीं छोड़ रहे, बिकॉज अभी बारिश के वजह से जो नया काम होने वाला है उसका टेंडर एंडर अभी हो रहा है, सो इसी के कारण अभी इमीडिएटली काम नहीं होगा रिपेयर का, और जो बेसिक रिपेयर इमरजेंसी रिपेयर और की काम चल रहा है, इसलिए उसी को लेके हेवी व्हीकल छोड़ने जैसे जगह लायक नहीं है। सो टाउन में, टाउन के अंदर पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत सारा स्कूल बच्चा लोग जा रहा है, देयर आर वेरी वल्नरेबल स्ट्रेचेस फ्रॉम सेंट फिलोमिना स्कूल टर्निंग से लेके अब देखिए तानादारा तक बहुत वल्नरेबल स्ट्रेचेस है, इसलिए हम लोग मैक्सिमम टाउन के अंदर कुछ गाड़ी चलाचल हेवी व्हीकल्स नहीं चला रहा है, सिर्फ टाउन के लिए कुछ गाड़ी आ रहा है वो रिस्ट्रिक्टेड वे थे, रात में एक दो गाड़ी आ रहा है जा रहा है उतना, उसके अलावा जनरल पासिंग थ्रू द टाउन, टाउन को पास थ्रू करके लावा में जाना है बा लावा के बाहर बा सिलीगुड़ी जाने का उसी रास्ता पकड़ना है वो तो मना है। सो ये थोड़ा पब्लिक की जानकारी के लिए और सहयोग के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा NH10 में जितना जल्दी काम हो सकता है वो तो हम लोग अपडेट करते रहेंगे, उसी में अभी तक छोटो पैसेंजर गाड़ी और मिनी बसेस जा रहा है, उसका हेवी व्हीकल जाने लायक तक हम लोग कैसे कर पाएंगे कब तक कर पाएंगे वो तो उसका अपडेट हम लोग देंगे। अभी तक इसके बीच में कन्फ्यूजन भी चल रहा था NHADCL काम कर रहा है PWD काम, अभी तक PWD काम कर रहा है अभी तक ऑफिशियली NHADCL के पास हैंड ओवर नहीं हुआ, उसी का भी कुछ जानकारी हुआ तो हम लोग पब्लिक स्पेस में बता देंगे। तब तक सभी को वो ट्रक ओनर्स एसोसिएशन बा सब स्टेक होल्डर्स को मेरा एक ही अनुरोध है, ओवरलोडिंग मत करिए, जो भी हम लोग रास्ता खुल रहा है जो भी रास्ता में अलाउड है, इवन हम लोगों का इंटरनल जो रेशी रास्ता में भी बहुत रास्ता खराब है पेडोंग एरिया में, काम हम लोग जितना पॉसिबल है बीच बीच में रिपेयर करके ही वो रास्ता चलाना पड़ता है। सो उधर भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए, कोई भी गाड़ी जा रहा है सिक्किम का गाड़ी व कालिम्पोंग का गाड़ी, हम लोग का एक रिक्वेस्ट यही है जो हम लोग का रिस्ट्रिक्शन है 8 टन का उसी का मेंटेन करके जो रास्ता में चलाचल अलाउड है उसी में प्रॉपरली गाड़ी चला दीजिए, नहीं तो मेजर रास्ता एक ही रास्ता है उसी में डिस्ट्रप्शन हुआ तो हेवी व्हीकल का पूरा बंद हो जाएगा, उसी को लेके पूरा हिल्स एरिया में दिक्कत हो जाएगा कालिम्पोंग और सिक्किम को। तो ये मेरा अनुरोध है, इसी के लिए आज ये जानकारी और सूचना।
उसके अलावा जो इंटरनल रास्ता के लिए रिपेयर्स वर्क्स चल रहा है, लावा अलगारा से कलिम्पोंग रोड बोलिए, बाकी जितना भी इंटरनल रोड्स उसी का भी हम लोग जो करना है इमिडिएटली मानसून के बाद जो परमानेंट काम करना है उसी का भी हम लोग कर रहे हैं। रेगुलर मीटिंग करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हम लोग छोटा मोटा रिपेयर वर्क है वो तो करते रह रहे हैं। तो सब जगह में पब्लिक का सहयोगिता चाहिए, बिकॉज एक कठिन समय है हम लोगों का। इंटरनली अभी मानसून भी हो गया, सो मानसून के ख़त्म होने के बाद जो रिपेयर करना है बड़ा रिपेयर करके तो नॉर्मल अवस्था में आएगा, तब तक पब्लिक का पूरा सपोर्ट इसी में चाहिए। हम लोग पूरा बंद करना, बिकॉज अभी तो हम लोग बीच बीच में कुछ गाड़ी चल रहा था, रांगपो से लेके मल्ली तक कुछ गाड़ी चल रहा था, अभी हम एक दो दिन हम लोग पूरा बंद करके रखेंगे, बिकॉज उसी में जो रिपेयर वर्क मैं बोल रहा था वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। वो फॉर्मल फाइनल लो कारपेटिंग वगैरह छोटा मोटा स्ट्रेंथनिंग वर्क के लिए पूरा दो दिन बंद होगा। उसके बाद दो दिन के बाद हम लोग रंगपो से लेके मल्ली तक हम लोग अलो कर सकते हैं। सो इरकान का गाड़ी चलाचल, बाकी काम करने वाला गाड़ी चलाचल हो जाएगा। इसी के बीच में सिर्फ काम करने वाला गाड़ी सिर्फ जाएगा दो दिन के बाद। कम्प्लीटली हेवी व्हीकल्स के लिए हम लोग खोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसी का भी अपडेट हम लोग एक फॉर्मल नोटिफिकेशन से दे दूंगा। ना दो दिन और कल परसों उसके बाद हम लोग खोल देंगे मल्ली से लेके हम रंगपो तक हेवी व्हीकल्स पूरा नॉर्मल, कोई भी हेवी व्हीकल जा सकता है, बट विथ 8-ton रेस्ट्रिक्शन एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ, सो सेफ्टी के लिए। नहीं वो कलिम्पोंग तक आने वाले गाड़ी को हम लोग छोड़ रहे हैं, अभी रात में छोड़ रहा है, तो गाड़ी का जानकारी लेके स्पेसिफिकली वेरीफाई करके हम लोग सिर्फ कलिम्पोंग 12 mile तक अलाउड है। उसके बाद वो तो कलिम्पोंग को पास थ्रू नहीं कर रहा है, कलिम्पोंग पास थ्रू करने में वापस क्या हो जाएगा, सब गाड़ी का उसी रिक्वायरमेंट हो जाएगा, फिर गाड़ी का ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा, पब्लिक का कलिम्पोंग पब्लिक का इंटरनल डिस्टर्ब हो जाएगा और पब्लिक सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इसलिए अभी रोड का स्थिति देख के हम लोग उसी तरह से कंप्लीट तरोफेर नहीं अलाउ कर रहा, बट जोरतांग व मल्ली से भी कलिम्पोंग के लिए जो प्रयोजन है, कलिम्पोंग टाउन के लिए, म्यूनसिपलिटी एरिया के लिए, आसपास इलाके के लिए गाड़ी आ रहा है, वो तो हम लोग रात में एक एक करके वेरीफाई करके छोड़ रहे हैं बस। नहीं वो PWD ऑलरेडी पूरा एंटायर स्ट्रेच का एक प्रोजेक्ट बना के MORTH में भेज चुका है, PWD के एंड से भेज दिया है और फॉलोअप भी कर रहा है। वो तब तक MORTH अप्रूव करेगा, उसके बाद काम होगा। मानसून के लिए अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ ना लॉन्ग टर्म वर्क के लिए कोई भी एजेंसी अभी काम नहीं कर पाएंगे, जो भी बोलिए PWD बोलिए, NHDCL को हैंड ओवर करने में भी, NHDCL भी कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मानसून का टाइम है। अभी तक जो प्रपोजल अप्रूवल के लिए पेंडिंग है MORTH में, वो आने में PWD काम करेगा, नहीं तो तब तक NHDCL को हैंड ओवर किया तो NHDCL करेगा, जो भी एजेंसी के पास काम होगा वो करेगा, बट तब तक वो अप्रूवल करके आना पड़ेगा।